जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आरसीयू कक्ष में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आप सभी ये तैयारी हो चुकी है वास्तु पुरुष देव की, और ये सब तैयारी होने के बाद कलश भी तैयार कर लिया है, स्वास्तिक बना करके नारियल भी बिल्कुल रेडी है कलश रखने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो गेहूं की ढेरी लगा रखी है और बस समय आ गया है कलश स्थापित करने का। और स्थापित 7:23 पर, पूरे 7:23 पर कलश हमने स्थापित कर दिया। मम्मी के हाथों से पूजा करवाई हमने। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं कलश रखा है, इसमें बारिश का जल जिसके अंदर चांदी का टुकड़ा डाल करके रखा है। ये ईशान कोण में हमेशा रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। जो भी वास्तु दोष घर में, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो उसका प्रभाव नहीं रहता फिर। तो इसीलिए हमने आज इस शुभ समय में ये भी काम कर लिया। पहले भी रखा हुआ था, पानी चेंज करके हमने रख दिया। और अब ये देखिए, दीपक जला दिए, धूप जला दी, सब तैयारियां कर ली हैं। और साथ ही साथ अभी होगी पंचोपचार विधि से पूजा। पंचोपचार विधि से पूजा, जैसे देवी देवताओं का पूजन होता है, ठीक वैसे ही संकल्प ले लिया था। और अभी मैंने म्यूट रखी है क्योंकि पीछे नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने पीछे म्यूट कर दी वॉइस। और अब हो रहा है पंचोपचार विधि से पूजन। सबसे पहले दीपक जलाएं, दीपक जला करके जल पास में रखें, और फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान होगा। जैसे पंचोपचार विधि से देवी देवताओं का पूजन होता है, ठीक पूरी विधि से वैसे ही यहाँ पर भी पूजन होगा। ठीक है, तो जल दिखा करके, फिर पंचामृत दिखा करके, स्नान आदि करवा करके जनेऊ मौली वस्त्र के रूप में अर्पण करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार पंचोपचार विधि से पूजा में तिलक, अबीर, गुलाल, इत्र, सभी सामग्री, सभी चीज़ें चढ़ा करके अर्पण कर करके, फिर बेलपत्र, दुर्वा, धतूरा, जो भी आपके पास हैं वो सब आप अर्पण करें। अर्पण करने के बाद देखिए, सब अच्छे से चंदन लगा करके बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद फिर बाकी जितने भी पुष्प हैं, मेरे पास अपराजिता के फूल थे और गुलाब के, गेंदे के फूल, सभी प्रकार के फूल आदि चढ़ा करके पूरा पंचोपचार विधि से पूजन किया। तो आप निरंतर देख रहे हैं स्क्रीन पर, आराम से पूजा हो रही है। साथ ही साथ मंत्रों उच्चारण चल रहा है मन ही मन में, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः। इस तरह से
मंत्रों के साथ सब पूजा चल रही है। और फिर इसके बाद सब अच्छे से जब अर्पण कर देंगे फिर लगेगा भोग। दूसरी थाली में जो ये आप भोग देख रहे हैं ये घर के सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उनके निमित्त ये भोग लगाया गया है। तो गणपति जी का ध्यान करके अपने मंदिर में जितने भी आपके देवी देवता हैं उनका ध्यान करके भोग लगाएं। तो देखिए सभी को याद कर देना, सभी को याद कर लेना चाहिए इस समय अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने पितृ देवताओं को और अपने गुरुदेव को, सबको याद करके उनका ध्यान करके भोग लगा लीजिए। ठीक है, तो मैंने भी यही किया है। फिर इसके बाद सबका ध्यान करके उनको अच्छे से भोग लगाया। भोग लगाते समय ही दूध और जल का भी भोग लगाया। दूध और जल पान के साथ रखा तो इनका भी हमने भोग लगा दिया है और ये यहीं रखेंगे। फिर इसके बाद जब यहाँ से हम भोग उठाएंगे, सबको बांटेंगे, तब ये जल और दूध भी प्रसाद रूप में बांट देंगे। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि दीपक जो जल रहे हैं ये दीपक कल सुबह तक जलते रहने चाहिए। देखिए कलश जब रखा हुआ है वहाँ पर दीपक भी जलते रहना चाहिए, क्योंकि अग्नि देव का पास में होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अदृश्य शक्तियां प्रवेश ना कर सके। हमारे कलश को सुरक्षित रखने के लिए अग्नि देव का पास में होना बहुत ज़रूरी होता है। जल और अग्नि हमेशा पास में होने चाहिए, इसीलिए कल सुबह तक जब तक कलश को हम उठाएंगे नहीं तब तक दीपक दोनों जलते रहेंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। वो पहले वीडियोस में नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें अपने आप में ही ध्यान रखनी चाहिए। जब भी पूजा आदि होती है दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। तो पूरी रात्रि दीपक जलता रहेगा, अगले दिन जब आप कलश को उठाएंगे उस समय तक के लिए फिर अपने आप शांत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सारी सामग्री उठा सकते हैं। और गेहूं के बारे में जो पूछा गया था, किसी का कमेंट आया था मुझे एक्चुअली, तो गेहूं का क्या करना है, तो ये गेहूं आप किसी प्लास्टिक के पॉलीथीन में डाल करके अपने अन्नभंडार में रख सकते हैं, या फिर अपने किचन में जहाँ पर चावल की टंकी होती है या जो भी जहाँ पर भी आप अन्न रखते हैं किसी भी चीज़ में वहाँ पर आप इसे सुरक्षित करके कपूर डाल के रख दीजिएगा ताकि ये चावल और गेहूं ख़राब ना होने पाए। और पूरा दिन यहाँ से पूजा करने के बाद जब आप उठेंगे आधा घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद पूजा का सामान आप यहाँ से उठा सकते हैं। बाद में कलश के पास घी तेल का दीपक और एक जल की गड़वी पास में ज़रूर रखनी चाहिए। बस ये जब सब चीज़ें रहेंगी बाकी सब आप उठाकर अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुई और अब कल का जो कार्य है वो शेष है। तब तक के लिए
ये बहुत अच्छे से पूजा हुई है और आई होप आप सभी ने भी बहुत पूरी श्रद्धा के साथ पूजन कर लिया होगा। वास्तु पुरुष देव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी इच्छा इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ, जय वास्तु पुरुष।